नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राग बिहा के बारे में। हम विभिन्न बंदिशों को आज अपने इस लाइव रिसेट लेक्चर में लेंगे और साथ ही साथ कुछ पारिभाषिक शब्दावली इसको भी आज शामिल करेंगे अपने इस लाइव रिसेट लेक्चर में। और बताना चाहेंगे कि इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। आप पंडित शंकरनाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। आपका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपको ये पाठन की सामग्री उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि जितना भी इन्होंने आज तक सीखा है ये आपके साथ उसे साझा करें, जिससे आप भी संगीत में निपुण हो जाएं। और आपको निपुण करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों द्वारा, आलेखों द्वारा और पुस्तकों द्वारा अपनी बात, अपना अनुभव साझा करती हैं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर हैं लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर इनके साथ है गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, और साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं लाल बाबू राय जी और गगनजीत कौर जी का। आप सभी का फिर से स्वागत है जी। बंदिशों की इस श्रृंखला में हम आज राग बिहा को लेते हैं, राग बिहा की एक बंदिश। और साथ ही साथ जब बंदिशों को हम सीख रहे हैं तो इसके साथ, जैसे हम कहते हैं शास्त्र की बात, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी जाने जो कि थेरेटिकल, जिसे हम कहा जाए कि थ्योरी की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उसको भी हम जानेंगे। राग बिहाग की जब हम बात करते हैं तो राग बिहाग जो है वो उसके थाट की थाट, उसका बिलावल थाट है, और इसकी जो जाति है वो है औड़व संपूर्ण जाति। तो थाट क्या है? थाट एक परिवार जहाँ से उस राग का जन्म हुआ है, वो थाट है। और जाति जो है वो राग में प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनकी जो संख्या है उसके आधार पर जो है वो जाति मानी गई है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ये अक्सर दोबारा दोबारा बताती हूँ, रिपीट करती हूँ कि भाई जब हम थाट की बात करते हैं तो मैं सिंपल एक बात कहती हूँ कि थाट एक फैमिली है जहाँ से कि अमुक राग का जन्म हुआ है। वास्तव में जब हम थाट की बात करते हैं तो दशविध थाट पद्धति जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज के समय में प्रचलित है। 10 प्रकार के थाट हैं, यानी 10 प्रकार के मुख्यतः परिवार हैं जहाँ से सभी रागों का जन्म जो है वो माना गया है। या रागों में हम जब स्वर हैं उनके वो किस तरह के स्वर हैं, कोमल हैं कि तीव्र हैं कि शुद्ध हैं, तो वो जो एक जो सिमेट्री बनकर आती है, एक जो प्रकार बनकर आता है आरोहण और अवरोहण का, तो उसमें हम देखें कि कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, स्वर का कौन सा स्वरूप प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर जो है उसका थाट नियुक्त किया जाता है। तो इस राग में, राग बिहाग को बिलावल थाट के अंतर्गत माना गया है। बिलावल जो है वो थाट जो उसमें जो स्वर होते हैं वे सभी शुद्ध स्वर होते हैं, यानी सारे गामा प ध नि, ये सातों स्वर जो है वो शुद्ध होते हैं। अब राग बिहाग जो है उसमें तीव्र मध्यम का कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है, तो आपका ये प्रश्न जो है आपके मस्तिष्क में आएगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है तो इसको कल्याण थाट के अंतर्गत क्यों नहीं माना गया, क्योंकि कल्याण थाट में जो है सा रे ग मध्यम जो है वो तीव्र होता है और ध नि सा वो शुद्ध जैसे है। तो ये प्रश्न भी आना ज़रूरी है दिमाग में कि तीव्र मध्यम जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया तो उसको कल्याण थाट के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। हम ये देखेंगे जो चलन है, जो उसका जो मुख्य उसकी एक पहचान है, या अधिकतर जो स्वरों का प्रयोग हो रहा है वो उसमें क्या प्रमुखता है। तो तीव्र मध्यम तो खूबसूरती की तरह से उसको कभी कभी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर शुद्ध मध्यम का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको पंडित भातखंडे जी ने बिलावल थाट के अंतर्गत इसको रखा है।
हम पहले राग विहाग का आरोह अवरोह करते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह करने के बाद जब मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट बताऊंगी तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेते हैं आरोह और अवरोह। आरोह का अर्थ होता है जब हम क्रम के अनुसार जो है राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को नीचे से ऊपर की तरफ गाते हैं क्रम के अनुसार, यानी कि हम जो उसका स्वरूप है उसमें यदि हम सा के बाद रे गाते हैं, रे के बाद ग गाते हैं, ग के बाद मध्यम को लेते हैं, तो ये क्रम से चल रहा है, उसकी सीरियल वाइज सीक्वेंस जो उसका है। इसके अलावा यदि कुछ किसी राग में कोई और स्वरूप है उसमें भी एक क्रम होता है, लेकिन स्वर समुदाय जो विशिष्ट प्रयोग होता है, जैसे किसी किसी राग में सा ग म रे ग प इस प्रकार से थोड़ा सा आगे सा ग रे, तो गंधार के बाद ऋषभ का आना, तो आप कहेंगे कि ये तो क्रम हुआ नहीं, लेकिन ये उस राग की विशेषता है, उसमें सा ग रे म ग इस प्रकार से जा रहे हैं, तो तब भी उसमें आरोहण करते वक्त एक सीक्वेंस एक सीरीज बनती है। एक शर्त रहती है कि उसमें वो अमुक स्वर समुदाय जो है जो उसकी पहचान है उसका प्रयोग होना ज़रूरी है। ऐसे रागों को हम कहते हैं कि वक्र, इसका आरोहण और अवरोहण जो है वो वक्र है। वक्र मतलब सीधा न जाकर थोड़ा सा टेढ़ा चलना, तो वो वक्र है। तो ऐसे भी राग होते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे राग विहाग की। राग विहाग का आरोह और अवरोह इस प्रकार से है। इस राग में विशेष बात यह है कि जो इसका आरोह है वो हमेशा मंद्र सप्तक के निषाद से शुरू होगा। ये इस राग की खास बात है। जैसे राग एमन में निषाद से शुरू होता है, नीरे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका विहाग का नीसा से शुरू होता है। कैसे? जाते वक्त हमने देखा नीसा गामा पानीसा, यानी पांच स्वरों का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ऋषभ और धैव जो है वो उसका प्रयोग आरोह में नहीं है। तो इसका आरोह जो है वो औडव है, यानी पांच स्वरों से युक्त। लेकिन अवरोह सा नी द प म प ग म ग रे सा। तो देखिए एक बिल्कुल विशेष तरीके से इसमें अवरोहण सा नी द प, धैवत जो है वो अल्प प्रयोग है, उसके बाद एकदम से जो है हम पंचम पर आते। लेकिन ऐसा नहीं कि हम धैवत को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं या उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सा नी द प म प, ये मध्यम तीव्र होगा, म प ग म ग रे सा। तो यहाँ पर ग म ग रे सा ऋषभ भी अल्प प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब हम अवरोह में धैवत और ऋषभ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। धैवत और ऋषभ जो है वो इम्पॉर्टेंट है उसमें प्रयोग करना, लेकिन उसमें उसका अल्प प्रयोग होगा। कभी कभी अवरोह में इस प्रकार भी गाया जाता है, सानी प म प ग म ग सा। तो हम धैवत और ऋषभ को ले रहे हैं, लेकिन उतना स्पष्ट रूप से उसको नहीं लेते, क्योंकि अल्प प्रयोग जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही राग के स्वरूप को बना रहा है, वही एक खास चीज़ है जो इसको कि संपूर्ण
अवरोहा अवरोहण जो है वो उसको प्रदान करता है। तो एक एक तरह से हम कहेंगे मींड के रूप में आना, यानी इससे पहले का जो स्वर है सानी पनी दपा, धैवत लेते हैं लेकिन मींड के रूप में उसको लेते हैं, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो ये तो था आरोह और अवरोह, जैसे मैंने बताया आरोह क्या है अवरोह क्या है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम एक क्रम के अनुसार किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को नीचे से ऊपर की तरफ गाते, यानी असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर आप उसको कह सकते हैं, इसके विपरीत जब हम क्रम के अनुसार स्वरों को ऊपर से नीचे की तरफ गाते यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ऊपर से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं अवरोहण कहते हैं। तो ये एक परिभाषा भी हुई आरोह और अवरोह की। अब पकड़ की बात, पकड़ जो है वो पकड़ शब्द जो है अपने आप में अपने आप को परिभाषित करता है, यानी पकड़ना किसी को पकड़ना। अब ये बड़ा ही सरल ही सरल एक शब्द जो है वो दिया गया पकड़। पकड़ यानी किसको पकड़ना, राग को पकड़ना, यानी राग की पहचान, राग को रिकॉग्नाइज करना ये राग कौन सा है। तो एक स्वर समुदाय विशेष स्वर समुदाय होता है जिसमें कि हम राग को पहचानते हैं, हम राग को देखते हैं भाई ये राग ये स्वर समुदाय आते ही एकदम मस्तिष्क में आता है ये अमुक राग है, इसे ही राग की पकड़ कही जाती है। यानी ऐसा स्वर समुदाय जिसको गाकर बजाकर या सुनकर हम राग को एकदम से पहचान लेते हैं तो वो पकड़ है। तो ये रही परिभाषा पकड़ की। अब राग विहाग में पकड़ क्या है, नी द प म प ग म ग सा, यानी नी सा ग म ग सा, ये फ्रेज नी द प म प ग म ग सा। तो ये जो एक स्वर स्वरों का जो लगाव है, स्वरों का जो ये समुदाय है, ये एकदम से आते ही हम कह सकते हैं कि यह राग विहाग है। जैसे कभी कभी हम जब गाते हैं तो इतना भी गाने में नि सा ग म ग सा प म ग म ग सा, ये गाते भी हम पहचान लेते हैं राग विहाग है। लेकिन जब हम इसको पूरी तरह से गाएं नी द प म प ग म ग सा, तो ये राग बिहाग की पकड़ को एक पूरा स्वरूप जो है वो बिहाग की पकड़ कहलाएगी। यानी जैसे मैंने आपको परिभाषा में बताया कि पकड़ क्या है, यानी राग का में प्रयोग होने वाला वो स्वरगुच्छ वो स्वर समुदाय जिससे कि हम एकदम किसी राग को पहचान लेते हैं वो है पकड़। तो ये थी राग बिहाग की पकड़। अब हम जैसे समय की बात करते हैं तो राग विहाग जो है उसके गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। समय चक्र जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विशेषता है। समय चक्र यानी किस समय कौन से प्रहर में कौन सा राग गाया जाएगा ये हमारे विद्वानों ने हमारे शास्त्रकारों ने निर्धारित किया है। हालांकि आज के समय में इस समय सिद्धांत को कुछ लोग जो हैं वो इग्नोर भी करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी रेडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए जाएं या कभी कहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो तो वहाँ पर आप दूसरा राग बजाते हैं या दूसरा राग गाते हैं, तो ये एक अलग एक्सेप्शनल्स और ऑलवेज देयर एक्सेप्शनल जो है वो अलग है कि वहाँ पर ऐसा एक मजबूरी मैं कहूँगी कि क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अमुक समय में बजनी है, उस रिकॉर्डिंग का प्रसारण का समय रात्रि का है, तो हमें ये देखकर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि हम इस समय यदि ये राग गाया जाएगा या बजाया जाएगा तो वो उसके समय के अनुकूल होना चाहिए, चाहे हम उसको सुबह जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो सर्कमस्टांसेस है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो उस राग का समय सिद्धांत है उसके अनुसार राग का गायन और राग का वादन जो है ये विद्वान या कलाकार या शास्त्रकार या विद्यार्थी आज भी इस चीज़ का पालन करते हैं। तो हम अपना एक पूरा सेशन जो है इस पर रखेंगे आने वाले समय में, जिसमें कि हम आपको टाइम थ्योरी या समय सिद्धांत जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रागों का है उसके बारे में आपको विस्तार से आपको बताएंगे। तो समय की जहाँ तक बात की मैंने राग विहाग की, ये समय है रात्रि का दूसरा प्रहर करीब 8 बजे के आसपास का।
समय जो है इस राग को गाया जाता है। अब राग के वादी और संवादी की बात। वादी क्या है? वादी वह स्वर है जो राग में अपने आप में राजा की तरह विराजमान रहता है, यानी वो राग में एक अलग तरह से चमकता है, उसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, उस राग से राग की एक बहुत ही जो खूबी है वो सामने आती है। और आप देखिए, जब राग को गाएंगे तो बार बार उस पर न्यास होता है या बार बार उस स्वर को वो उभर कर सामने आता है, तो स्वतः ही पहचान में आता है कि इस राग में ये स्वर जो है वो वादी स्वर है, यानी इसीलिए उसको राजा की उपाधि दी गई है। और संवादी यानी उसके संवाद से, वादी स्वर से चौथा या पांचवा स्वर जो है वो संवादी कहलाएगा। तो उसका संवाद जो है, आप देखें कि चौथा या पांचवा स्वर कौन सा बैठ रहा है। जैसे मैंने कहा किसी राग में षड्ज जो है वो वादी है, तो उससे चौथा स्वर मध्यम या पंचम, ये दोनों में से कोई एक स्वर जो है वो उसका वादी या संवादी होगा, ऐसा शास्त्रकारों ने नियम बनाया है। तो ये नहीं होगा कि षड्ज जो है वो वादी है तो ऋषभ जो है वो संवादी हो जाएगा, ये संवाद नहीं बैठेगा। तो इसीलिए वादी और संवादी जो है, संवादी जो वादी स्वर के बाद ऐसा दूसरा स्वर जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, जो राग में जो है वादी स्वर के बाद दूसरा चमकता हुआ स्वर नजर आता है, दूसरा अधिक प्रयोग होने वाला न्यास का स्वर, या जिसको हम गाते हुए पहचान लेते हैं कि वादी स्वर यदि ये है तो इसके संवाद में चौथा या पांचवा स्वर जो है जो सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है, जो उसका जो राग में बार बार उस पर स्वर समुदाय जो है वो आते हैं उस पर टिकाव होता है, तो ये संवादी स्वर है जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वादी स्वर को हम की नोट बोलते हैं। अब इन दोनों की परिभाषाएं हो गई। अनुवादी स्वर, अनुवादी क्या है? राजा भी है और मंत्री भी है। जैसे कि राजा वादी स्वर को कहा गया है और संवादी स्वर जो है उसको मंत्री की उपाधि दी गई है। तो इसके बाद राजा भी है, मंत्री भी है, पर शासन किस पे होना चाहिए? प्रजा के ऊपर। तो प्रजा भी अनिवार्य है, तो प्रजा जो है उसको हम अनुवादी स्वर कहते हैं, यानी राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर है उसमें वादी स्वर और संवादी के बाद जो अन्य स्वर प्रयोग हो रहे हैं उसको हम अनुवादी स्वर कहते हैं। तो अनुवादी स्वर यहाँ पर कौन से हैं? निषाद और गांधार के अलावा बाकी जो सभी स्वर हैं, सा, म, प जो है ये अनुवादी स्वर है, और अवरोह में धैवत और ऋषभ को लिया गया है तो वो भी अनुवादी स्वरों में आते हैं। तो जहाँ मैंने बताया राजा है, मंत्री है, प्रजा है, तो वादी, संवादी और अनुवादी स्वर हो गए। लेकिन विवादी भी एक स्वर होता है जिसमें कि कहा जाए कि विवाद होना, यानी एक ऐसा स्वर जिसका प्रयोग तो राग में नहीं होता लेकिन कभी कभी एक खूबसूरती की तरह या एक कहना चाहिए जिस प्रकार चेहरे में एक ब्यूटी स्पॉट जो है लगा दिया जाता है, तो वो विवादी स्वर उसको कहा जाता है कि जिसके आने से, क्योंकि शब्द ही बोलता है विवाद उत्पन्न करना, लेकिन ये स्वर बहुत ही कम प्रयोग होता है, कभी कभी अल्प बिल्कुल ब्यूटी स्पॉट की तरह उसका प्रयोग होता है, बहुत बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो राग बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं उसमें यदि हमने कहा कि एक सीनरी बनाई हमने और उस सीनरी में हमने कोई एक चीज़ दिखानी है जो को सिर्फ एक ब्यूटी के तौर पे हम उस पर दिखाएंगे लेकिन बहुत अधिक तो नहीं दिखाएंगे, तो वो यदि हमने बहुत ज़्यादा दिखा दिया तो वो सीनरी का जो उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हमें राग को गाते वक्त जब हमें पता रहता है कि अमुक स्वर जो है वो विवादी स्वर है तो कभी उसको ब्यूटी स्पॉट की तरह उसका प्रयोग कर लेना, लेकिन उसको बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर। तो ये भी इनकी परिभाषाएं जानना विद्यार्थी के लिए जरूरी है। अब समय की बात हो गई। न्यास के जो स्वर हैं वो है इसमें षड्ज, गांधार, पंचम और निषाद। न्यास का मतलब होता है ठहराव, यानी कहीं पे रुकना, ठहरना। तो ये इस पर रुका, जैसे नि सा प नि सा, आप देखिए षड्ज पर रुका जा रहा है, प नि सा गा सा नि सा नि द प प नि प नि
पंचम पर न्यास हो रहा है, गंधार पर हुआ और षड्ज पर ग म प नी प ग म ग प ग म प नी प नी नी सा। तो देखिए निषाद पर भी मैं रुकी हूँ, गंधार पर भी मैं रुकी हूँ, पंचम पर भी मैं रुकी हूँ और षड्ज पर भी मैं रुकी हूँ। तो न्यास का अर्थ होता है कि ठहरना, जिस पर रुकना, वो न्यास के स्वर होते हैं। तो राग में कुछ कुछ इस तरह के स्थान होते हैं, या हम कहें कि कुछ कुछ स्वरों में जो है वो रुका जाता है, ठहरा जाता है, क्योंकि वहाँ से ही उस राग की पहचान कहेंगे, या उस राग को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, विस्तार करते हैं, तो वो हमें सहायक होता है। यदि हम इस पर ना करें, नी सा ग म प प नी सा नी द प म प ग म ग, इस प्रकार से गाना होगा। तो हम जब आलाप की जो बढ़त है वो तभी संभव है जबकि न्यास के स्वर हमें पता हो, और हम तभी एक जस्टिस कर पाते हैं राग के साथ। तो राग विहाग जो है इसमें न्यास के स्वर मैंने जैसे बताया षड्ज है, गांधार है, पंचम है और निषाद है। यदि इसके अलावा हम यदि मध्यम पर न्यास करते हैं, या हम जो अवरोह में धैवत और ऋषभ पर न्यास करते हैं, तो राग बिगड़ जाएगा। कैसे? सा ग म म ग प म म ग म प नी द प म म ग म म म म प ग म। राग बिगड़ गया, राग की पकड़ जो वो भी बिगड़ गई। नी सा ग म ग सा, एकदम राग सामने आता है। नी सा ग म ग सा, राग बिगड़ गया। तो अर्थ दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नी सा ग म ग सा, राग की पकड़ का एक मुख्य जो है वो फ्रेज, और इसमें यदि मध्यम पर न्यास करेंगे नी सा ग म ग सा, आप कहेंगे कि जो आपने मुझे बताया कि इसमें मध्यम प्रयोग होता है आरोह में भी अवरोह में भी, तो ये मैंने मध्यम का इस्तेमाल किया, लेकिन किस प्रमाण में किस स्वर को इस्तेमाल करना चाहिए वो जानना जरूरी है, तो मध्यम पर न्यास नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम ऋषभ और धैवत पर न्यास करते नी सा ग म ग रे सा, नी सा ग म प नी धा प, राग बिगड़ गया, राग की वो बात आती थी सा नी धा प। आप कहें कि हमने सारे स्वरों को जो भी इस राग में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको समान दृष्टि से देखा है, तो समान दृष्टि से तो आपने देख लिया, लेकिन राग जो है वो बिगड़ गया, राग विहाग उभर कर नहीं आएगा, कुछ और हो जाएगा। सा नी द प म प ग म ग रे सा, नी सा ग म ग सा प म ग म ग सा। मध्यम मैंने यहाँ पर तीव्र मध्यम का इस्तेमाल किया है, तो इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, लेकिन तीव्र मध्यम कभी कभी इस्तेमाल होता है, और एक बड़ी जैसे मैंने कहा ब्यूटी स्पॉट की तरह उसका प्रयोग होना चाहिए, उस पर ठहराव नहीं होता है। प म ग म ग सा, प म म ग म म ग, बिगड़ जाएगा राग। प म ग म ग सा प नी सा ग म प ग म प नी नी सा नी द प ग म ग, इस प्रकार से इसको इग्नोर करते भी गा सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसका प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि वो एक राग की जो एक पहचान है, एक पकड़ है, उसका भी एक प्रमुख भाग है। तो ये तो एक थ्योरी पार्ट जो है राग विहाग का हुआ। राग विहाग एक बहुत ही
खूबसूरत राग है, बहुत ही मधुर है, और कहीं पर आप इसको देखिए इस राग में एक तरह की गंभीरता है। इस राग का विस्तार जो है वो मंद्र में भी, मध्य में भी और तार सप्तक में तीनों होता है। तो राग को एक्सप्लोर करने में जो है ये तीनों सप्तक जो है बहुत ही सहायक होते हैं, और हम घंटों इस राग को गा सकते हैं। इस राग को जब गाएं तो पहले मंद्र निषाद से यह राग शुरू होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आराम से आप उसका विस्तार करते हुए, जो इस राग में मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको स्वरों का जो स्थान है, जो चार तरह का जो स्वरों का जो स्थान, जो डिफरेंट फ्रेजेस आपको बताए मैंने, उस नियम को आप ज़रूर जो है रियाज करिए, तो आपको राग का विस्तार अधिक देर तक करने में आपको सहायक होगा। और राग जैसे कि मैंने बताया कि मंद्र, मध्य और तार सप्तक में किस प्रकार से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी बढ़त कर सकते हैं, वो आपके लिए सुगम होगी। इस राग में जहाँ तक कि गायन शैली की बात है, इसमें ध्रुपद, धमार, ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना, गीत, गज़ल, भजन, ये सभी जो हैं इस राग में हमको सुनने को मिलते हैं, इसमें गाए जाते हैं। और क्योंकि ये राग बहुत अधिक विस्तार का राग है, और जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, मसीद खानी गत और रजा खानी गत जो है ये इसमें खूब बजाई जाती हैं, बहुत ही इत्मीनान का राग है, क्योंकि आराम से इसमें विस्तार करें और इसको घंटों गाएं, इसीलिए ऐसे रागों को कहते हैं इत्मीनान का राग, विस्तार का राग है। और ये भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ख़ासतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है प्रमुख रागों में से एक है। तो ये तो विस्तार से इसका जो वर्णन, जो मैंने शास्त्रोक्त वर्णन जो है आपको बताया, अब हम इस राग में एक बंदिश आपको बताते हैं। इस बंदिश को हम ये कह सकते हैं कि लक्षण गीत भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस बंदिश में पंडित भातखंडे जी ने राग के बारे में बताया है, क्योंकि साहित्य जो है इसका बिल्कुल उस राग के लक्षणों को स्पष्ट कर देता है। क्रमिक पुस्तक मालिका में ये बंदिश पंडित भातखंडे जी ने संग्रहित की, वहीं से मैंने बंदिश ली है, और हम इसके साहित्य को लेते हैं। अत सुगम रूप रागनी मानत, नाम विहाग चतुर मुनि जानत। तो अत सुगम रूप रागिनी मानत, यानी बहुत सुगम रूप है किसका, राग विहाग का, रागिनी माना गया, रागिनी विहाग का बहुत ही सुंदर सुगम रूप है। नाम विहाग चतुर मुनि जानत, चतुर मुनि जो है वो पंडित भातखंडे जी ने अपने लिए चतुर पंडित का इस्तेमाल किया है, उपनाम के, उपनाम कहें या कहीं पर उन्होंने जो बताया है अपने पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में, उसमें अपने आप के लिए उन्होंने चतुर पंडित जो है ऐसी उपमा जो उन्होंने इस्तेमाल की है। तो बंदिशों में भी देखिए, नाम विहाग चतुर मुनि जानत, कि ऐसे राग को जो है, ऐसी रागनी को हम विहाग के नाम से जाते हैं। वादी गंधार रिध तजत रोहण, यानी वादी जो है वो गंधार है इसका, रिध रे और ध ऋषभ और धैवत, तजत रोहण आरोहण, यानी आरोह में रे और ध जो है उसका उसका त्याग किया गया है। गम पनी सानी ध प गम प गम गरेसा, यानी इसकी जो दूसरी पंक्ति है अंतरे की, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से स्वरों का इस्तेमाल किया गया है या जिस प्रकार से इसमें गाया जाता है, गम पनी सानी ध प, यानी जब हम इसको इसकी ताने लें या इसका विस्तार करें तो ग गंधार मध्यम, गम पनी सानी ध प गम प गम गरेसा, इस प्रकार से जो है हम स्वरों का इस्तेमाल, स्वरों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो देखिए इस बंदिश को, जो तीन ताल में बंदिश है, इसके साहित्य में ही अपने आप में सारा राग के स्वरूप का जो है वो निचोड़ रख दिया गया है, जिसको कि विद्यार्थी यदि गाते भी हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है कि इसमें क्या स्वर प्रयोग होंगे, क्या नहीं होंगे, आरोहण कैसा होगा, किस प्रकार से कौन सा वादी स्वर है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की बंदिशों को हम लक्षण गीत कहते हैं, राग के लक्षणों को जो है वो विस्तार से बताते हैं। तीन ताल की ये बंदिश है, आइए बंदिश को पहले गाते हैं। हाँ, 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 हाँ,
सा नी सा ग रे सा प नी सा ग म ग सा नी सा ग म प प्रकार से थोड़ा सा स्वर भरते हुए यहाँ पर मैंने आरोह और अवरोह न लेकर एक छोटा सा आलाप किया है, जिससे कि कहते हैं हम राग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो बंदिश को एक बार गाते हैं, फिर आगे चल के इसके विस्तार से हम आपको इसको बताएंगे। आत सुगम रूप रागनी मानत आत सुगम रूप रागनी मानत आत सुगम रूप रागनी मानत नाम बिहाग चतुर गुनि जानत नाम बिहाग चतुर गुनि जानत अत सुगम रूप रागनी मानत अत सुगम रूप रागनी मानत नाम बिहाग चतुर गुनि जानत नाम बिहाग चतुर गुनि जानत अत सुगम रूप रागनी मानत वादि गंधार रिदत जत रोहन वादि गंधार रिदत जत रोहन गम पनी सानी द पग म पग मगरे सा गम पनी सानी द पग म पग मगरे सा अत सुगम रूप रागनी मानत अत सुगम रूप रागनी मानत अत सुगम रूप अत सुगम रूप अत सुगम रूप रागनी मानत। तो ये तो थी बंदिश राग बिहाग की, इसको और विस्तार से हम जानेंगे अगले अपने सेशन में। Thank you.
पंडित भातखंडे जी द्वारा जो संग्रहित ये बंदिश है क्रमिक पुस्तक मालिका की, अब हम इसको इसकी नोटेशन यानी इसकी स्वरलिपि के साथ इसको जानते हैं और आगे इसमें हम आलाप और ताने इनको भी आपको बताएंगे। ये बंदिश तीन ताल में और खाली से यानी नवी मात्रा से ये बंदिश शुरू होती है। पहले तीन ताल तबले पर देखते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन अथ सुगम रो परागनि मानत। अब देखिए बंदिश में नंबरिंग यदि करें तो कैसे होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अथ सुगम रो परागनि मानत यानी नवी मात्रा से ये बंदिश शुरू होती है। तो जब हम कहते हैं राग का मुखड़ा उठाइए तो मुखड़ा आपने कहाँ से उठाना है, नाइन्थ मात्रा से। और यदि कोई आपसे प्रश्न करता है मुखड़ा कितने मात्रा का है, तो मैं आपको पुनः बताती हूँ कि जब तक सम नहीं आता यानी फर्स्ट मात्रा तबले की नहीं आती तब तक जो है हम काउंट करें कितनी मात्राएं हैं। जैसे अब इसमें ढूंढते हैं तीन चार पाँच, फिर से देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अथ सुगम रो परागनि मानत, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन रागनि मानत यानी नौ से लेके सोलह तक की मात्राएं जो हैं वो आठ मात्राएं हैं। नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यानी इसका मुखड़ा कहाँ तक है, आठ मात्रा का मुखड़ा है। तो कहीं आपसे कभी कोई प्रश्न करता है कि मुखड़ा कितनी मात्रा का है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। जब तक सम नहीं आता, जहाँ से मुखड़ा उठा जहाँ से बंदिश उठाई जा रही है और जब तक तबला नहीं शुरू होता यानी तबले की पहली मात्रा तक पहुँचने तक कितनी मात्राएं हैं उसको काउंट करके हम कहते हैं ये मुखड़ा इतने मात्रा का। जैसे अभी दोबारा से पुनः तबले को रोक के मैं बंदिश गाती तो आप देखिए कौन सी मात्रा से बंदिश उठ रहा है। अत सुगम रो परागनि मानत, अत सुगम रो परागनि मानत यानी हमने शुरू किया नवी मात्रा से। और जहाँ पर रागिनी शब्द का जो रा आ रहा है उस पे हमने देखा कि हमारा सम यानी तबले की या ताल की पहली मात्रा और हमारे गायन का ऐसा शब्द ऐसा अक्षर जो उस पहली मात्रा से एक तरह से कह के टकरा रहा है यहाँ वहाँ पर मिल रहा है उसे हम सम कहेंगे, समान हो रहा है। तो हम देखेंगे सम से बंदिश जहाँ से शुरू होती है वहाँ से सम तक का जो जर्नी है उसमें कितनी मात्राएं आती हैं उसको हम कहते हैं इतने मात्रा का मुखड़ा है। तो कभी भी आपसे कोई ये प्रश्न करे कि मात्रा कितने मुखड़ा कितनी मात्रा के, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। तो नवी मात्रा से बंदिश शुरू हो रही है, फिर से शुरू होते हैं दिन दिन दा दा। अत सुगम रो परागनि मानत, पाप गम ग सा नि पानि सागम, पाप गम ग सा नि पानि सागम। अत सुगम रूप रागनि मानत, पाप गम ग सा नि पानि सागम। अत सुगम रूप रागनि मानत, जो दूसरी पंक्ति है उसमें गांधार पर ही खत्म करना, जैसे प्रथम जो पंक्ति है उसमें मध्यम पर समाप्त करते हैं कैसे, धा धिन धिन धा धा धिन पापा गम ग सा नि पा नि नि सा गम, पापा गम ग सा नि पा नि नि सा गम। अगला पापा गम ग रे सा नि पा नि नि सा ग। अत सुगम रूप रागनि मानत, पापा गम ग रे सा नि पा नि नि सा ग ग।
निसा ग म प सा नि प प ग म ग सा नाम बिहाग चतुर गुनि जानत निसा ग म प सा नि प प ग म ग सा नाम बिहाग चतुर गुनि जानत अत सुगम रूप राग नि मानत अत सुगम रूप राग नि अब अंतरा लीजिए वादी गंधार निदत जत रोहन प सा 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 नि प प सा नि प वा दी गंधार निदत जत रोहन प सा 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 नि प प सा नि प वा दी गंधार निदत जत रोहन ग म प नि सा नि द प ग म प ग म ग रे सा ग म प नि सा नि द प ग म प ग म ग रे सा अत सुगम रूप राग नि मानत अत सुगम रूप राग नि मानत। आप में से बहुत लोगों ने ये भेजा है फीडबैक के तौर पे कि राग के साथ राग की नोटेशन भी बताई जानी चाहिए। तो राग की नोटेशन में इसमें ऑलरेडी गा रही हूँ क्योंकि इसको आप लिख भी सकते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन में भी नोटेशन दिखाई जाए क्योंकि नोटेशन जो लिखी जाती है या जो पुस्तकों में जो उद्धृत है वो नोटेशन अपने आप में बोल नहीं सकती। जैसे प प ग म ग सा सा नि प नि नि सा ग म, तो मैं इसको यदि बुक को देखकर गाती हूँ तो प प ग म ग सा सा नि प नि नि सा ग म, इस प्रकार से कट कट के यानी एक एक स्वर अपने आप में अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाता है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन जब आप गाते हैं तो हम उसको लाग से या मीन से या किस प्रकार से, मैंने बताया कि अवरोह में ऋषभ को किस प्रकार से हम बहुत अल्प प्रयोग करते हैं, धैवत काल प्रयोग करते हैं, वो गाकर ही बताई जा सकती है। इसलिए पहले मैंने नोटेशन को गाया है और उसके बाद मैंने बंदिश को गाया है। तो आप इस प्रकार से यदि आप गाएंगे और उसके बाद बंदिश को जानेंगे तो आप बंदिश को क्या कहना चाहिए कि मौखिक रूप से आप उसको याद कर सकते हैं। ये मौखिक विद्या है, इसको वैसे आप याद कर सकते हैं, बाद में उसको आप लिख भी सकते हैं। आप कभी भी भूलेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार की नोटेशन जा रही है और उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऐसे हो रहा है। तो प्रैक्टिकल वे में बताने से आपको ये याद भी रहेगा और आप इसको भूलेंगे नहीं। साथ के साथ आपको नोटेशन भी मैं गाकर बता रही हूँ ताकि जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस नोटेशन को जानकर जो है इसको सुनकर अपने इंस्ट्रूमेंट में उसको निकाल सकते हैं, उसको बजा सकते हैं। तो ये इसकी नोटेशन के साथ ये बंदिश थी। अब हम इस बंदिश में देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से आलाप बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इसमें ताने बनाई जाती हैं। चलिए लेते हैं। अत सुगम रूप राग नि मानत अत सुगम रूप राग नि मानत। अब देखिए हम पहले एक छोटा सा आलाप लेते हैं कैसे। धा धिन धिन धा धिन अत सुगम रूप राग नि मानत अत सुगम रूप नि सा ग म ग सा अत सुगम रूप नि सा ग म ग सा अत सुगम रूप पता है मैंने अपने आलाप को किस दायरे में रखना है, आठ मात्रा में रखना है। कैसे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अत सुगम रूप नि सा ग म ग सा अत सुगम
आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई गाता है कलाकार, तो उसमें बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है, यानी अक्षरों का प्रयोग होता है, तो ये कैसे संभव है? हमने बंदिश में से ही एक अक्षर ले लेना या कुछ एक बोल ले लेना, हम संगीत की भाषा में बोले तो हम बोल ले लेते हैं, उस बोल को आलाप में बढ़ाते हैं, तो इसमें कोशिश करते हैं कौन सा बोल लेते हैं। देखिए, अत सुगम रूप रागिनी गावत, अत सुगम रूप आ, अत सुगम रूप रागिनी गावत, अत सुगम रूप। तो आप जब बोल लेते हैं बंदिश के, तो बंदिश के साथ जब आलाप को आप सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, और वो एक मैच्योर्ड सिंगिंग का जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करता है। अब अगले आलाप को लेते हैं, अत सुगम रूप प म ग म ग स, अत सुगम रूप प म ग म ग स, अत सुगम रूप एडजस्ट करिए कि राग की जो बंदिश है उसका भाव भी ना बिगड़े, और हम जो सुनने वाला श्रोता है उसको साहित्य भी समझ में आए। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक अक्षर लेके बढ़ना शुरू कर देंगे, वहाँ पर जो आलाप है वो उतना मधुर नहीं लगता जितना कि शब्दों के साथ, क्योंकि देखिए भावों की उत्पत्ति जो हो रही है साहित्य के अनुसार जब हम गा रहे हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और बिल्कुल वो जो हम कहना चाहते हैं उस पर एकदम बात सही पहुंचती है। जब हम आलाप में बोलों को यानी शब्दों को पिरोते हैं और वो सुनने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है, उसको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अति सुगम रूप रागिनी गाती, अति सुगम रूप तो हमने गा लिया, लेकिन रागिनी मानत में यदि हम सिर्फ राग को बढ़ाते हैं तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, जो हम कहना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। कैसे? अत सुगम रूप रात, वो मज़ा नहीं आएगा जहाँ पे हम कहेंगे रागिनी गावत अत सुगम रूप। आप चाहे कोई और भी शब्द इसमें डाल देते हैं, अत सुगम रूप रूप रागिनी, अत सुगम रूप रूप रागिनी, अत सुगम रूप रागिनी गावत अत सुगम रूप। अब ये तो थे छोटे छोटे आलाप जिसमें कि हम राग के बोलों को लेकर हम बढ़त कर रहे हैं। अब यदि हमने बड़ा आलाप लेना है तो कैसे लेना है? तो आपको ताल की, आपको मैंने साइकिल पहले बता दी उसमें किस प्रकार से इसको पिरोते हैं बोलों को। अत सुगम रूप राग, अत सुगम रूप राग निमानत निसा गम पा प म ग म ग स, अत सुगम रूप राग निमानत। अब यहाँ पर मैंने एक सहज सा एक आलाप लिया जो बहुत सिंपल भी है और राग को पूरी तरह से वो स्पष्ट भी कर रहा है। हम इसमें यदि शब्दों को डालें, बोलों को डालें, तो कैसा आएगा? अत सुगम रूप
रागनी मानत निसा ग म प प म ग म ग स अत सु ग म रूप रागनी मानत रागनी गा आवत अत सु ग म रूप रागनी मानत अत सु ग म रूप रागनी मानत रागनी मानत अत सु ग म रूप रागनी मानत रागनी मानत अत सु ग म रूप रागनी मानत। तो इस प्रकार से राग के जो आपको आलाप जो आप बना सकते हैं, वो हम स्वर का जो विस्तार आपको बताया है विहाग के बारे में, जो इससे पहले की जो श्रृंखला रही है जिसमें मैंने राग का किस प्रकार आलापचारी करी जाती है उसको हम यदि जानकर हम गाएं तो हमारे लिए आलाप बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यदि हम इसको, चलिए हम एक शॉर्ट तौर पे ऐसे लेते हैं कि हमने कुछ आलापों को पुनः से हम उसको दोहराते हैं और फिर उसी में से आलाप बनाते हैं। ताल का हमने पता किया कि खाली से बंदिश उठ रही है, तो कैसे करते हैं? अत सु ग म रूप निसा ग म ग सा, ये फ्रेज याद कर लीजिए। दूसरा निसा ग म प प म ग म ग सा, ये दूसरा याद कर लीजिए। तीसरा ग म प नी द प प म ग म ग सा, इसको याद कर लेते हैं। और फिर ग म प नि सा नि द प ग म ग, ये चार फ्रेजेस हमने याद कर ली। अब इसी में से हम अपने आलाप को बनाते हैं, कैसे? धा दिन दिन धा धा दिन दिन अत सु ग म रूप रागनी मानत नि सा ग म प प म ग म ग सा ग म प नि द प प म ग म ग सा अत सु ग म रूप रागनी मानत। देखिए इसी में से क्या कहते हैं कि कट एंड पेस्ट करके जो है हमने अपने आलाप को बनाया। तो अब इसमें शब्दों को डाल देते हैं। रागनी मानत अत सु ग म रूप सा ग म प ग म प नि द प प म ग म ग सा अत सु ग म रूप रागनी मानत रागनी मानत मानत रागनी मानत रागनी मानत अत सु ग म रूप रागनी मानत आ आ आ अत सु ग म रूप रागनी अत सु ग म रूप रागनी मानत। तो आप इसको कोशिश करके देखिए, आप भी अपने आलाप स्वयं बना पाएंगे। मैंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन आप जब राग के विस्तार को जानते हैं तो आलाप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते जब हम बंदिश के साथ गा रहे हैं तो हमें ताल का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो जैसे हमें पता है निसा ग म ग सा, एक ही हो गया। निसा ग म प म ग म ग सा,
ग म प नी द प म ग म ग सा ग म प नी सा नी द प म ग म ग सा नी द प वही चीज मंत्र में जाएगी सा नी द प पनी सा गारे सा ये जो फ्रेजेज हैं आपको इसको यदि जान लेंगे तो आलाप करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप अपने आलाप स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको उदाहरणों के तौर पर बताया है। ज़रूरी नहीं कि आप रागिनी मानत जो है ये शब्द लेंगे, तो उसमें कुछ और शब्द भी ले सकते हैं। और क्योंकि ये छोटा ख्याल है, द्रुत ख्याल है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मंत्र में या धीरे धीरे विस्तार जो वो नहीं कर सकते। हमने आलाप ऐसे लेने हैं जो राग को तो बता ही रहे हैं, साथ साथ जो है वो एकदम चमक के राग के स्वरूप को बताते हैं। जैसे अत सुगम रूप रागिनी मानत रागिनी म पनी नी पनी नी सा नी द प ग म पनी सा वही स्वर है जो आपको बताए हैं पनी सा नी द प ग म प म ग म ग सा प म ग म ग सा अत सु ग म रूप रागिनी मानत। तो इस प्रकार से आलाप ऐसा लिया जाए जिसमें कि राग का स्वरूप जो है वो पूरा जो है वो कम समय में स्पष्ट हो जाए। यदि हम छोटा ख्याल गा रहे हैं, यदि हम बड़ा ख्याल गा रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है राग का विस्तार होगा। ये हम आपको कभी बड़ा ख्याल इसका बताएंगे तो उसमें हम आपको बता सकते हैं। अब हम इसकी तानों की बात करते हैं। ताने भी बिल्कुल वैसे ही जाएंगी जैसे कि आपका आलाप जा रहा है। तो अत सुगम रूप नि सा ग म ग ग रे सा नि सा ग म ग ग रे सा अत सुगम, मैंने एक ही फ्रेज दिया है, नि सा ग म ग रे सा नि सा ग म ग ग रे सा, ये मैंने कर दिया आसानी के लिए। अत सुगम रूप सा ग म ग ग रे सा नि सा ग म ग ग रे सा अत सुगम रूप प म ग म ग ग रे सा नि सा ग म ग ग रे सा अत सुगम। मैंने आपको जो आलाप बताया था उसी में से ही ये तान निकली है। अत सुगम रूप प म ग म ग ग रे सा नि सा ग म ग ग रे सा अत सुगम रूप सा ग म प नि सा नि द प म प ग म ग अत सुगम रूप। क्योंकि इसमें हमने सपाट तान लेनी है तो हमने अवरोह में ध और रे वैसे ही लेना है सीधे तौर पर, साधारण तौर पर जैसे दूसरे स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम मींड से अल्प प्रयोग तो दिखा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? अत सुगम रूप सा ग म प नि सा नि द प म प ग म ग अत सुगम रूप नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा नि सा अत सुगम रूप ग म प नि सा नि द प म प ग म ग ग रे सा अत सुगम रूप ग म प नि सा ग रे सा नि द प म ग म ग अत सुगम रूप प म ग म प नि सा ग रे सा नि द प म ग अत सुगम मानत नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि द प म ग म प नि सा नि द प म प ग म प म ग म ग अत सुगम रूप अत सुगम रूप अत सुगम रूप रागिनी मानत। तो आप देखिए कि स्वरों को वही आलाप है, वही तान है, वही पलटे हैं, उन्हीं को तान का रूप लिया गया। इस प्रकार से विहाग की इस बंदिश में आप आलाप और ताने अपनी स्वयं की भी बना सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक जुर्वेदी जी को। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न, अपने सुझाव या फिर जिस भी विषय पर आप लेक्चर्स चाहते हैं हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर कल मुलाकात होगी और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत हम और कुछ नया सीखेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार।